Hey guys, welcome back to today's vlog. आप देख रहे हैं गोपी चैनल, मैं आपके साथ हिमाचल वहाँ पर दोस्त, और आपको दिखाऊंगा कि आज हम बना रहे हैं थोड़े छोले डिफरेंट स्टाइल से, और यू नो कभी कभी कुछ डिफरेंट करने का मन कर जाता है तो हटके थोड़ा सा आज थोड़ा छोले बनाने का मन है। छोले थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे, दिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों हमने कपड़े में थोड़े से गर्म मसाले ले लिए हैं, जो अब दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, इलायची कूट के, और इसके अंदर हम डालेंगे चाय पत्ती। दोस्तों हमने चाय पत्ती, मिर्च, तेजपत्ता, लौंग, इलायची और आपके पास और मसाले हैं, खड़ा मसाला आप डालना चाहते हो आप इसमें पोटली में डाल सकते हो। पर इस पोटली को बंद करेंगे और डाल देंगे हम अभी कुकर के अंदर। तो छोले हमने ओवरनाइट सो करके रख देते हैं, हम इसको कुकर के अंदर डाल रहे हैं। और देखो आप देख सकते हो जो छोलों में पानी है वो भाई आधी उंगली के, मतलब उंगली का जो फर्स्ट टिप है बस उसका आधा पार्ट ही अंदर जा रहा है। तो देख सकते हो आप इतना पानी डालना, ज़्यादा पानी डालना नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर हम डालेंगे हमारी पोटली, इस पोटली में हमने चाय पत्ती डाली है, दालचीनी डाली है और सारी चीज़ डाली है, उसको हम इसके अंदर रख देंगे। दिखाता हूँ आपको, इंतजार करिए, साथ में तो गिराइए, हमारे साथ जुड़े रहिए गोफी जन पर। और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और प्लीज़ शेयर कीजिए, और बस देखते रहिए। थैंक यू सो मच। हम इसके अंदर इसको डाल देते हैं, है ना। और इसमें हम इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा, जी हाँ। तो वेट करें दोस्तों देख सकते हैं आप कि मैंने थोड़ा बेकिंग सोडा लिया है, मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसको अच्छे से डाल दूंगा इसके अंदर। तो एक्चुअली जो चाय पत्ती और बेकिंग सोडे का जो रिएक्शन होगा ना वो इतना बढ़िया होगा, तो छोलों को एकदम से मस्त गला देगा। तो आज हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे छोले, आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है, पिंडी चने ही बोलते हैं ना। तो दोस्तों कुकर का ढक्कन लग चुका है, अब इसको हम रखेंगे, कितनी सीटी तक रखेंगे, हम रखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 सीटीज के लिए, और उसके बाद हम छोले खुलने का वेट करेंगे कुकर के, और फिर आपको दिखाते हैं छोले कैसे दिखते हैं, और उसके बाद हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इन द मीन टाइम उसमें हम थोड़ा सा तरी बनाएंगे हल्की सी छोलों की, मसाले डाल के, मसाले हम खुद पीसेंगे, मैं दिखाता हूँ हम क्या क्या पीसने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे बनेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हमने इसमें डाला है 3 तेज पत्ते, 3 लाल बड़ी लाल मिर्च, 2-3 दालचीनी, जीरा पाउडर, अनारदाना। मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो भी है इसकी डिटेल, तो आप उसको भून लें। भूनने के बाद हमारी मिक्सी रेडी है, और फिर मिक्सी में हम डालेंगे इस मसाले को, फिर इसको पीस देंगे, पीसने के बाद मसाला रेडी हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप्स इसके आगे के। कुकर हमारा ऑलमोस्ट खुलने वाला है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, लेट्स वेट। तो दोस्तों देखो मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, जो भी हमने बनाया था, लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस, तो बिल्कुल दादा हो जाएगा जब आप उसको मिक्सिंग पीसेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टेप्स जो हैं दिखाते हैं आपको, साथ में जुड़े रहिए आप हमारे गो फ्यूजन पर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं छोलों का टेक्सचर, मैं छोले आपको दिखाता हूँ तो क्या तो गले हैं, ये देखो सी एकदम छोले गले हुए, तो ब्लैक कलर के छोले, इसका पानी दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो ये छोले जब बनेंगे आपको दिखाना था आगे प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, इसमें कोई प्याज कोई टमाटर कुछ नहीं डालना, सिर्फ नॉर्मल बहुत बड़े छोले बनेंगे, दिखा दो मैं आपको। थैंकनेस जो आ रही है ना यार, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस अब हम अपने छोलों को कढ़ाई में डाल देंगे ऐसे, और डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। तो सो जब आपका मसाला बन जाए तो उसके बाद आपको थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मसाले में डालनी है, और अदरक और प्याज ऐसे काट के रख लेना है पतला पतला साइड में। तो मैं भी छोलों में ये 4 to 5 टेबल स्पून मसाला डालने वाला हूँ। तो ये देखिए ये एक because
इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा अमचूर, इतना and then you have to put some salt in there. So the layer of डाल दिया है, अब इसको मिक्स करने की बारी है, इसको अच्छे से एक हिला के बढ़िया सा मिक्स देंगे, तो मैं इसको मिक्स करता हूँ इन द मीन टाइम. सकते हैं दोस्तों मिक्स होने के बाद अभी कैसे लग रहे हैं. अभी हम इस पैन में करेंगे थोड़ा सा घी गरम और उसका इसमें मिला देंगे. कितना घी डालेंगे हम, आधे कटोरी के आसपास घी लेंगे और उस सारे छोलों में डाल देंगे. तो हमारे पिंडी छोले बनके तैयार होंगे. 5 मिनट रुकिए, थोड़े घी गरम करते हैं. तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने घी गरम कर लिया. घी देखिए कितना है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए, तो एकदम इसको रेड करी का टेस्ट. और आपको दिखाते हैं इसको मिक्स कैसे करेंगे. तो ये देखिए आवाज सुनिए, इसको अच्छा सा मिक्स देंगे एक. दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है एक्चुअली में छोलों का टेक्सचर. पूरी के साथ खाने में मजा आ जाएगा आपको एकदम एवन. गाइस अभी हमारे छोले बन के रेडी हो गए हैं, तो हम खाते हैं. आप लोग बनाइएगा इस छोले की डिश को और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा. थैंक यू गाइस, हमारे साथ जुड़ने के लिए गो फिल.